हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वांटम का माउस है वायरलेस। ये देखिए वायरलेस माउस, ठीक है। इसके मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दूंगा और इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप अगर मार्केट में क्वांटम का ये वायरलेस माउस परचेज करते हैं तो आपको इजी रहेगा। बेसिकली क्या है कि ये इसकी फंक्शनलिटी है कि ये ऑटो स्विच ऑफ है फंक्शन इफ अनयूज विद इन 4 मिनट्स। अगर आप ये माउस यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑटो ऑफ हो जाएगा। ये नहीं है कि बाकी माउस की तरह इसमें ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, जब आप यूज करना बंद कर दें तो ये जो है चलता रहे। अगर आप इसको ऑफ करना भूल भी जाएं तो ये ऑटोमेटिकली 4 मिनट्स के बाद अपना बंद हो जाएगा, ठीक है। और प्रेस राइट क्लिक एंड माउस मूव फॉर ऑटो वर्कअप, ये तो हर माउस में होता है। बेसिकली इसमें नई फीचर ये है कि इसके अंदर ये है एक इसकी फीचर कि आपका अगर यूज नहीं हो रहा है तो ये ऑटो स्विच ऑफ हो जाएगा माउस। ये देखिए, ये मैंने मात्र 300 रुपए में खरीदा मार्केट से, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि ये इसमें आपको सेल डालकर दिखाऊंगा और इसकी फीचर्स बनाऊंगा। और इसमें चीज और भी है, इसमें एक बटन है यहाँ पे जिससे कि आप जो इसकी डीपीआई होती है, डीपीआई स्विच भी अवेलेबल है इसमें, ठीक है। इसमें 600, 1200 और 1600 की फोटोशॉप पे या कि पिक्सल वाला काम कर रहे हैं फोटोशॉप पे, आपको माउस की जो स्पीड्स है वो कम या ज्यादा करनी है पिक्सल के हिसाब से, तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली इसकी मेन फीचर ये है कि ये ऑटो ऑफ है, मतलब 4 मिनट तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करना भूल ही गए तो आपकी सेल्स की जो कंजम्पशन होती है वो नहीं करेगा। ये देखिए, बाकी देखिए इसका ये पैकेट है, इसमें मंथ ऑफ वारंटी भी लिखा हुआ है, मंथ ऑफ मैनुफैक्चर, मंथ ऑफ इम्पोर्ट, में सारी चीज लिखी हुई है। ये देखिए बाकी भी चीज लिखा हुआ है, ये आप सब इजीली आराम से देख सकते हैं। ये देखिए ऑटो स्विच ऑफ एंड ऑटो वेकअप, मतलब ये ऑटो स्विच ऑफ भी है और ये ऑटो वेकअप भी है। देखिए ऑटो स्विच ऑफ एंड ऑटो वेकअप, ये देखिए। मतलब अगर आप 4 मिनट तक इसको यूज ना करें तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये अब इसकी जो रेंज है अप टू 10 मीटर है। अगर आप सिस्टम पे आपका लगा हुआ है, इसकी डिवाइस लगी हुई है ब्लूटूथ की, तो ये 10 मीटर तक चलेगा, ठीक है। इसकी 2.4 गीगा हॉर्स पावर की वो है। और ये देखिए ये आपका डीपीआई बटन के साथ आता है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वांटम 262W वायरलेस माउस ऑटो डीपीआई है, ठीक है। ये तो हो गया, अब मैं माउस को आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये देखिए ये इसका माउस बटन निकाल दिया। ये देखिए ये इसका माउस है क्वांटम का, काफी प्यारा माउस है, एकदम बढ़िया तरीके से आपका साइज भी इसका ठीक है, आपके हाथ पे इजीली आ जाएगा। ये देखिए अब हाथ पे देखिए यूज कर रहे हैं इसको ऐसे, ये देखिए। चलिए अब यहां तक तो बात थी, अब इसमें आपको सेल डाल के दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें 2 पेंसिल सेल्स जलते हैं, ये देखिए इसमें ये 2 पेंसिल सेल्स जलते हैं। ये पतले वाले सेल आते हैं जो रिमोट में, एसी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में जलते हैं, वो सेल इसमें आपको डालने हैं, ठीक है। पहले एक आपको डालना नीचे की तरफ ऐसे, ये डाल लिया आपने सेल, दूसरा ये सेल है, ये देखिए ये सेल आपने डाल लिया, ठीक है। ये दोनों सेल डाल लिए, दोनों सेल डालने के बाद आपको ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है इसमें नीचे की तरफ लगी होती है, ये आपको अपने सिस्टम पे लगानी है और आप अपना यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये देखिए ये आपने इस पे लगा दिया, अब इसकी लाइट जल रही है और ये फंक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है डिवाइस आपको ये इसको माउस के साथ मिलती है, यहां लगी हुई थी,
अगर आपको माउस यूज नहीं करना है सिस्टम वायरलेस, तो उसको निकाल के अलग से भी इसके अंदर दोबारा आप डाल सकते हैं। ये इसके अंदर डाल के आप अगर आपको यूज नहीं करना, अगर यूज करना है तो आपको सिस्टम पे ये लगानी पड़ेगी। बेसिकली आपकी यूएसबी पोर्ट जो होता है उस पर लगता है, ये भी आपको मैं लगाकर दिखाया हूं। ये देखिए कि मैंने यहाँ पे ये जो है इसको मिलती है क्वांटम की है, ये मैंने चलिए उल्टा से चीजें करना हो थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है, तो आपको ये देखिए ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया कि आप क्वांटम का जो माउस होता है उसकी अनबॉक्सिंग का ये कैसे वर्क करता है, इसमें कितनी बैटरीज डलती हैं और क्या है उसमें। एक ये डीपीआई स्विच होता है, ये देखिए ये स्विच है डीपीआई। इसे क्या होता है, जैसे कि पिक्सल का काम करें फोटोशॉप में किसी और में, तो आपको माउस की जो वर्किंग होती है वो स्लो या हाई करनी है, जैसे कि 600 1200 1600 ऐसे पिक्सल जो होते हैं उनमें आप पिक्सल सिलेक्ट करने में जो माउस की जो वर्किंग होती है वो स्लो या हाई करनी हो तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये वाला माउस जो है अपने सिस्टम पर लगा दिया, वर्किंग चल रहा है। अभी देखिए ये जो है माउस, ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये देखिए ये माउस है, ये चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब ये वायरलेस माउस है, देखिए ये वायरलेस माउस है आपका, ये देखिए अब ये मैं इसको फंक्शनिंग कर रहा हूँ अच्छे से, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई वायर नहीं लगी और इसकी ब्लूटूथ जो है मैंने सिस्टम पर लगा दूंगा, इसकी ब्लूटूथ लगी हुई है, ठीक है। और ये हमारा माउस है जो हमने देखा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कि आप जो है क्वांटम का जो माउस होता है वो उसकी अनबॉक्सिंग और उसकी फीचर्स की जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जो जरूर लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको न्यू अपडेट्स वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।